गाइस तो आज होने वाला है बहुत बड़ा धमाल, क्योंकि मेरे पीछे है R1। तो अभी मैं जस्ट फॉर प्लास्टिक आया हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको अपनी R1 दिखाऊंगा, जो पुराना आपको बता था ना कि मैं इसको चला के फिर इसका ओनरशिप करूँगा। तो पहली वाली पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, उसके बाद आप ही समझ पाएंगे। तो मेरे पीछे अभी खड़ी 2009 मॉडल R1 खड़ी है वाइट कलर में। तो अभी इसको भी हम रिव्यू करेंगे, फिर इसको आपको पूरा डिटेलिंग बताएंगे। तो अभी जैसा आप देख सकते हैं प्लास्टिक के पीछे जो रोड है, सबसे बेस्ट रोड है, यहीं पर हम लोग शूट करते हैं। तो मेरी R1 खड़ी हुई है और उधर खड़ी है R1 गुफराम भाई ले रखे हैं। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक और नया दिन, एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मेरे पीछे खड़ी है R1 2008 मॉडल। तो आज इसका रिव्यू करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा जाके प्लीज़ जाके देखिए पहला पार्ट, जब ही आप समझ पाएंगे दूसरे पार्ट में क्या होने वाला है। तो अभी मैं खड़ा हूँ प्लासी के जस्ट पीछे वाली रोड पे, जहाँ पे ज़्यादातर लोग शूट करने आते हैं। तो हम भी चले आएँ, तो हमारे पीछे हैं गुफरान भाई और भी वो खड़ी R1 अगर आपको दिख रही होगी बाइक लगे। तो चलते हैं जल्दी से और थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। पहले आप देख लीजिए क्या लग रही है, एकदम खतरनाक बाइक लग रही है कि नहीं लग रही। शेर हमारी R1, उसको अभी चला के भी देखेंगे। तो पहले आप इसका कलर देख लीजिए, क्या प्यारा कलर लग रहा है। एक मिनट, क्या लग रही है भाई। तो इसका मीटर देखिए पहले। फुल डिटेल तो मैंने आपको पहले ही पार्ट में बता दी है, बस आज मैं ऐसे ही चलाने के लिए आया था तो सोचा आपको दिखा दूंगा। तो ये इसका आप देख सकते हैं मीटर। तो इसका अभी चला के लाया ना, तो इसलिए इसका फ़ैन थोड़ा हीट कर रहा है, इसलिए फ़ैन थोड़ा चल गया है ताकि थोड़ी गर्म हवा निकल सके। हाँ बैटरी वो है क्या डाउन, तो आप थोड़ा कर लो लुक ले। इसको थोड़ा सेंटर में ले आओ गुफराम भाई, ये यहाँ सेंटर में ले आओ, जब भी लोकेशन सही रहेगी। तो हमारे गुफराम भाई अब सेंटर में लेके आ रहे हैं ताकि शूट अच्छा हो पाए। ये है लग रही है। हाँ भूसा क्या हो गई, इसके बदले में दे दिया मैंने गिफ्ट। अच्छा गिफ्ट दे दिया फैजान भाई को, इन्होंने गिफ्ट दे दिया। तो ये हमारी है खड़ी, अब थोड़ा लुक आ रहा है एकदम खतरनाक वाला लुक। तो एक बार आप देख लीजिए क्या लग रही है। 2008 मॉडल है पर रजिस्टर 2012 हुई है। तो डुअल डिस्क ब्रेक के साथ आती है, मेरी जो पल्सर खड़ी है वो 120-130 जाती होगी और ये टॉप इसकी 300 के आसपास है। पर गुफराम भाई हमारे चलाएं 299 भाई, जिसके अंदर तड़ है वही चला सकता है इसको बाइक। यामाहा का क्रेजी अलग है भाई, कुछ भी कहो सारी बाइकें एक नंबर है, नो डाउट। तो अब इसको चला के भी देखेंगे, थोड़ा टेस्ट लेंगे इसका। Sippin' on Vex from the Lex, say something. Never tell a fact that I never stay running. Sippin' on Vex, damn, know I got stacks in the lab. Taking bitches straight for another cat. Make shit while I never had shit. Bitch, move, make your motherfucking head split. Hospitalized, never really don't pay shit. We never really don't chase it. Dreams to the blade, no fake. Ass to the way, niggas know I ain't play. Fast to the break when I switch all day. Stance when I press to the damn all day. Sticking up sides where you never mind me. Point to the ground. Stick down to the feet, stay please, stay, bitch, you got no key. Never take a seat, bitch, you never go see. तो गाइस चला के बड़ा मज़ा आ गया, अभी इसको चलाए थे तो मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा था, इसलिए नहीं लगा रखा था क्योंकि मैं GoPro लेके नहीं आया हूँ, तो मज़ा नहीं आता। मोबाइल से करता तो उतना अच्छा वॉइस क्वालिटी नहीं आती, विंड की आवाज़ आती है, इस चक्कर में मैंने इसलिए किया है पैसे। तो अब इसको आपको दिखा, तो अभी हम इसको चला के आए हैं। पावरफुल बहुत है भाई, पहले गियर पे ही, पहले गियर पे कितना जाती है, 171 चली जाती है। मेरे व्लॉग देख लो पता चल जाएगा। भाई गुफराम भाई का आप व्लॉग देख लीजिएगा, ये बोल रहे 171 चली जाती है, तो इनके जाके व्लॉग देख लीजिएगा। शॉर्ट भी कितना डालो उसका। हां हां भाई GoPro रील पे डालना। तो 300 टच होती है भाई ये गाड़ी, इतनी पावरफुल है। फिफ्थ गियर पे सोचो, उस टाइम की 2008 मॉडल पे, उस टाइम पे इतनी पावरफुल बाइक, इसका टॉप वाला तो और ही मज़ेदार है। तो भाई जिनकी ये बाइक है वो है हमारे फैजान भाई, तो उनने अपनी खूब गाड़ी को एकदम मेंटेन कर रखा है। आपको देख के लग रहा होगा, वैसे देख के कहीं से लग रहा है 2008 मॉडल है, इतना ज़्यादा इसको प्यार से रखते हैं, अपने शोरूम पे खड़ी रहती है। तो कभी मैं जाऊँ उनके शोरूम ऐसे ही कपड़ा वपड़ा लेने, तो आपको जरूर दिखाऊँ, वहाँ हमेशा चमका के खड़ी रहती है गाड़ी। टायर वायर देख सकते हैं एकदम नया दिलवाए हुए हैं टायर भी, और इसमें क्रैश गार्ड भी लगवा रखे हैं जैसा कि आप ये देख रहे हैं, और ये ब्रेक लीवर ये सब लग रखा है, मतलब मैच कर रही है भाई कुछ भी कहो, बहुत प्यारी लग रही है। फुल वन टू वो मेरी प्यारी R1 खड़ी है, अगर आपको दिख रहा हो तो है।
असल में मैं आया था प्लासियो घूमने गुफरान के साथ, तो मैं सोचा चलो R1 भी आप लोग को दिखा दूंगा और थोड़ा चला भी लूँगा, तो चलाया तुमको अच्छी लगी थी। तो काफ़ी प्यारी गाड़ी है भाई, कुछ भी कहो महाराष्ट्र की गाड़ी है और महाराष्ट्र की गाड़ी तो अच्छी होती ही है। तो सब लोग देखो गाइस सब शूट कर रहे हैं उधर साइड भी, सब लोग शूट कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी का, उधर भी देखो शूट कर रहे हैं। ये पूरा जो भी आप लोकेशन देख रहे हो पूरा ऑल टोटल शूट करने का है। तो अगले संडे राइड कुछ नया धमाल करने वाले हैं, वो आपको दिखाएंगे। तो अभी तो चलो इतना ही काफ़ी है। और सफारी स्ट्रॉन्ग और वो देखो वो दोनों देख रहे हो आप लोग, सब लोग शूट वूट कर रहे हैं। ये फ्लैट व्लैट भी एक दिन हम लोग ले लेंगे अपना। वो प्लासियो है, वो स्टेडियम बना हुआ है, ये फुल लोकेशन में। ये फ्लैट नए नए बन रहे हैं, हमको लगता है उसके चक्कर में बन रहे हैं, IPL के चक्कर में। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।